हेलो ऑल, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LTE RNTI कंसेप्ट। देखिए, RNTI जो होता है वो काफी इम्पोर्टेंट है और काफी पूछा भी जाता है इंटरव्यू के अंदर कि RNTI का क्या रोल है, कितने तरह के RNTI होते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक भी जरूर कीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो LTE है उसके अंदर RNTI से दो चीज निकल के आती है। RNTI होता है रेडियो नेटवर्क टेम्परेरी आइडेंटिफायर। ये एक आइडेंटिफायर नेटवर्क देता है यूई को, अलग अलग टाइम पे अलग अलग नेटवर्क आइडेंटिफायर देता है यूई को। अब देखिए, इससे दो चीज ये डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई ऑफ द मोबाइल दैट शुड रीड द स्केड्यूलिंग मैसेज। अब जो मोबाइल ही आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क, वो स्केड्यूलिंग मैसेज को रीड कर सकता है एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग स्केड्यूल्ड। तो ये दो चीज RNTI हेल्प करता है मोबाइल को करने के लिए, स्केड्यूलिंग मैसेज जो आया है और द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। दो चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, ये सारे RNTI रिलीज 8 के अंदर LTE के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे। पहला है RARNTI रेंडम एक्सेस रेस्पॉन्स के लिए, टेम्परेरी CRNTI रेंडम एक्सेस कंटेंशन रेजोल्यूशन के लिए, CRNTI CR, ये सारे अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं RNTI के लिए, ये आपको सारे पता होने चाहिए। वन, अपलिंक और डाउनलिंक ट्रांसमिशन SPS CRNTI। अगर बहुत सारे आपको अपलिंक और डाउनलिंक ट्रांसमिशन करने हैं तो SPS CRNTI, TPC PU CCH RNTI, TPC PU SCH RNTI, MRNTI, MBMS चेंज नोटिफिकेशन के लिए, PRNTI पेजिंग मैसेज के लिए, SI RNTI सिस्टम इंफॉर्मेशन मैसेज के लिए। अब देखिए, जिस जिस टाइप के मैसेजेस नेटवर्क आपको भेजता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको RNTI वो असाइन करता है। तो अगर आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन मैसेज भेज रहा है नेटवर्क तो आपको SI RNTI एलोकेट करेगा, पेजिंग अगर भेज रहा है तो PRNTI एलोकेट करेगा। हर जो भी उसकी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको RNTI एलोकेट किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के RNTI होते हैं। नॉर्मली हमको RNTI की फुल फॉर्म ही पता होती है, बेसिक पता होता है कि कुछ वो नेटवर्क हमको असाइन करता है, लेकिन ये बहुत सारे तरह के होते हैं और सबके अलग अलग रोल्स डिफाइन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सेल RNTI। CRNTI इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बेस स्टेशन होता है वो एक यूनिक CRNTI मोबाइल को असाइन करता है एज पार्ट ऑफ रेंडम एक्सेस प्रोसीजर। देखिए, जब भी आप रेंडम एक्सेस प्रोसीजर होता है तो उसी समय नेटवर्क आपको एक CRNTI एलोकेट कर देता है। लेटर ऑन इट कैन स्केड्यूल ए ट्रांसमिशन दैट एक्सटेंड्स ओवर वन सबफ्रेम बाय एड्रेसिंग ए स्केड्यूलिंग मैसेज टू द मोबाइल CRNTI। अब देखिए, उसने पहले आपको एक असाइन कर दिया CRNTI, उसके बाद जब उसने असाइन करा फिर उसने आपको स्केड्यूल किया कि उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजनी है। फिर वो जब उसे पता चल जाएगा कि इसको, इस मोबाइल को मैंने CRNTI असाइन कर दिया है, उसी मोबाइल को वो आगे डेटा भेजेगा, स्केड्यूल करेगा। अब है पेजिंग RNTI एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन RNTI। ये फिक्स वैल्यू होती है इसके अंदर विच आर यूज टू स्केड्यूल द ट्रांसमिशन ऑफ पेजिंग एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन मैसेजेस टू ऑल द मोबाइल्स इन द सेल। ये सारे सबको भेजता है, ये फिक्स वैल्यू होती है कि जब भी पेजिंग आएगी सिस्टम इंफॉर्मेशन आएगा तो ये आपको भेजता है नेटवर्क। अब है SPS CRNTI, सेमी परसिस्टेंट स्केड्यूलिंग CRNTI। द बेस स्टेशन फर्स्ट असाइंस एन SPS CRNTI टू ए मोबाइल यूजिंग मोबाइल स्पेसिफिक RRC सिग्नलिंग। RRC की हेल्प से आपको ये असाइन कर देता है। लेटर ऑन इट कैन स्केड्यूल ए ट्रांसमिशन दैट एक्सटेंड्स ओवर सेवरल सबफ्रेम्स बाय एड्रेसिंग ए स्पेशली फॉर्मेटेड स्केड्यूलिंग मैसेज टू द SPS CRNTI। अब देखिए, जब भी सेमी परसिस्टेंट स्केड्यूलिंग यूज की जाएगी उस समय आपको SPS CRNTI जो नेटवर्क है वो आपको एलोकेट कर देगा। तो ये अलग अलग टाइप के RNTI नेटवर्क आपको एलोकेट करता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्या नेटवर्क और यूई के बीच में मैसेजेस का इंटरेक्शन हो रहा है। उसके बाद होता है टेम्परेरी CRNTI एंड रेंडम एक्सेस RNTI। आर टेम्परेरी फील्ड ड्यूरिंग द रेंडम एक्सेस प्रोसीजर। जब भी रेंडम एक्सेस प्रोसीजर होता है उस समय RARNTI और टेम्परेरी CRNTI यूज होता है।
MBMS RNTI जब भी मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्ट से मल्टीकास्ट सर्विस यूज करता है मोबाइल, उस समय MBMS RNTI यूज करता है मोबाइल। TPC PUCCH RNTI एंड TPC PUS फिजिकल अपलिंक कंट्रोल चैनल एंड फिजिकल अपलिंक शेयर चैनल आर यूज्ड टू सेंड एम्बेडेड अपलिंक पावर कंट्रोल कमांड्स यूजिंग DCI फॉर्मेट 3A एंड फॉर्मेट 3A। उस समय पे हमारा ये RNTI यूज होता है। DCI के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं DCI अगर आपको समझना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।